नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज का सीन कुछ ऐसा है, गर्मियों बहुत तेज़ी से पड़ रही है गर्मी, और उसी वजह से हमारे एरिया में क्या हुआ, पानी की बहुत किल्लत चल रही है। खेती के लिए पानी बहुत कम हो चुका है हर एरिया में हमारे यहाँ, और कैनल का पानी आया था 1.5-2 महीने पहले, लेकिन वहाँ पानी का वाटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। इवेपोरेशन पानी का ज़्यादा हो गया, गन्ने में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो लोगों को पानी का यूज़ ज़्यादा हो गया, इसलिए बहुत कम आ रहा है। तो लोगों अभी गर्मियों में क्या कर रहे हैं कि अपने कुएं में साइड ड्रिलिंग कर रहे हैं, कहीं पर खड़ी ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पेशली यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि साइड ड्रिलिंग कुएं में चल रहा है। तो आज हम दोस्तों साइड ड्रिलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कितना खर्चा होता है, कैसे लिया जाता है, कहाँ पे लिया जाता है, किन लोगों को लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों देखिए, अपने भारत में क्या है कि हर राज्य में कहीं पे भी जाइए, अलग अलग तरीके की ज़मीन है, कहीं पे धंसने वाली मिट्टी है, कहीं पथरीली ज़मीन है, कहीं पे कंकड़ीली ज़मीन है, तो हर अलग वाइज यहाँ पे होता है। जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ पे क्या है कि पथरीली ज़मीन होने की वजह से यहाँ पे ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा होता है। खड़ा ड्रिलिंग हो या तो साइड ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल कुएं के अंदर जो होती है इसी साइड में, उस तरीके से जैसे कि अभी यहाँ हो रही है। अब दोस्तों देखिए कि हर जगह पे आप साइड ड्रिलिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे पथरीला इलाका है, जहाँ पानी की कमी है, खास करके वहाँ पर ही आप साइड ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो साइड ड्रिलिंग सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी ज़मीन पर कैसे की जाती है। और देखिए हमारे यहाँ क्या है कि 5-10 फीट तक मिट्टी है, उसके नीचे पूरा पत्थर है अलग अलग टाइप का। तो हमेशा साइड ड्रिलिंग जब होती है तो 25 से लेकर 35 फीट के आसपास जो है पूरा साइड ड्रिलिंग होना चाहिए। उसके अंतर में अगर ज़्यादा नीचे जाते हैं तो जलस्तर ज़मीन का ज़्यादा हमारे एरिया में नीचे नहीं है, 100-150 फीट अगर कुआं खुदाएंगे, 60-70 फीट अगर साइड ड्रिलिंग लेंगे तो वहाँ पर संभावना कम होती है, पानी मिलेगा लेकिन उस हिसाब से संभावना कम रही। लेकिन उतना ऊपर के एरिया में जो पानी मिलता है उसके मुकाबले नीचे के एरिया में नहीं मिलता है, जितना नीचे जाएंगे जलस्तर धीरे धीरे कम ही होता गया। तो ज़्यादातर 25 से 35 फीट के आसपास जो है पानी लगने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो कुएं में क्या होता है, साइड ड्रिलिंग में इस तरीके से वहाँ मशीन छोड़ते हैं और तिरछा जो है ऊपर की तरफ ड्रिलिंग करते हैं ताकि पानी फ्लो से कुएं के अंदर आए। और कुएं के अंदर मतलब साइड ड्रिलिंग की खासियत क्या है कि जब आप कुएं में साइड ड्रिलिंग करते हैं, जहाँ पे साइड ड्रिलिंग उसके नीचे 20 फीट का अगर आपका स्टॉक है कुएं में, तो पूरा पानी का आपका स्टॉक बनेगा, वहाँ पे आप पानी जमा कर सकते हैं साइड ड्रिलिंग की वजह से। अगर पानी आपके साइड ड्रिलिंग होल में लगेगा तो अच्छे से आपके एरिया में पानी होगा। तो Thank you.
साइड ड्रिलिंग का क्या फ़ायदा है, आप जब कुआ 50 फीट का होता है, 35 फीट पे जब आप साइड ड्रिल करते हैं, सिरचा ऊपर की तरफ जब होता है, तो उसमें कुछ पाइप मोटर कुछ नहीं डालना पड़ता है, ज़मीन के साइड आजू बाजू का पानी लेता है और अंदर कुएं के अंदर आ जाता है, आपका स्टॉक तैयार होता है। इस वजह से ये साइड ड्रिलिंग फायदे का रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये महंगा आता है दोस्तों। ये जो साइड ड्रिलिंग हो रहा है इसमें क्या है कि आपको 130 रुपये फिट का इसमें पैसा लिया जाता है साइड ड्रिलिंग के लिए टोटली इसमें जो है। अब जब जब ड्रिलिंग होता है तो इसमें मतलब आप ज़रूरी बात क्या है कि जहाँ से ट्राई ड्रिलिंग हो रहा है वहाँ से आपकी ज़मीन जो है और कुएँ की खुदाई होनी चाहिए, मतलब स्टॉक कहाँ पे होगा। अगर आप नीचे 50 फीट पे ज़मीन है और 50 फीट पे छेद मारे तो पानी ऐसे थोड़ी ना उबल के प्रेशर से आएगा, उसके नीचे आपका स्टॉक होना चाहिए, तब आपको उस साइड ड्रिलिंग का अच्छे से फ़ायदा होगा। साइड ड्रिलिंग करते समय आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि आपकी ज़मीन कैसे, मान लीजिए धंसने वाली ज़मीन है आप, अगर आप उसमें छेद कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए वो रहेगा, फिर वो मुन जाएगा, तो वहाँ पे साइड ड्रिल हो ही नहीं पाएगा। पथरीले इलाका में जहाँ पे अलग अलग टाइप के पत्थर रहते हैं, अलग अलग वेरिएशंस की ज़मीन अंदर रहती है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि आपको साइड ड्रिल कैसे लेना है। कैसे कभी कभी क्या होता है कि इधर से पत्थर आता है, इधर से बीच में जगह रहती है तो वहाँ पे करते हैं तो वहाँ से पानी पूरा परकुलेशन जो होता है आने की उम्मीद रहती है। अगर आप पूरे मिट्टी में लगा रहे, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी जाएंगे तो भजेली मिट्टी ले है, गंगा नदी के किनारे पूरा 5-10 फीट पे 15 फीट पे पानी है, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा ट्यूबवेल लगता है, इतना मोटा मोटा रखता है, तो वहाँ पे बड़ा छेद रहता है, उसको काफ़ी दिनों तक चला चला के साफ़ किया जाता है, तब वो धंसता नहीं है। तो धसीली मिट्टी जहाँ पे रहती वहाँ पे आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और कि आपके अगर आपने 50 फीट का कुआ खुदाई की है, मान लीजिए 50 फीट में कहीं पे थोड़ा सा भी पानी नहीं गिर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी ज़मीन में थोड़ा सा पानी का कहीं से एक सोर्स नहीं है, तो वहाँ पे साइड ड्रिलिंग लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप साइड ड्रिलिंग लेंगे तो पानी ऑलरेडी आपके कुएं में कहीं नहीं दिख रहा पानी, साइड ड्रिलिंग लेके फ़ायदा क्या है। अगर मान लीजिए आपने 200 फीट तक लिया तो थोड़ा बहुत पानी आ सकता है, लेकिन अगर आप 60-70 फीट 100 फीट तक ले रहे हैं, मैंने काफ़ी कुआ में देखा है कि लोग क्या करते हैं कि 50 फीट का कुआ खोदते हैं, इधर 100 फीट इधर 100 फीट इधर 50 फीट इधर 70 फीट, इस तरीके से 7-8 होल मारते हैं। मेरा कहना ये है कि आप अगर एक या दो ही होल लीजिए, लेकिन दूरी बना के लीजिए, काफ़ी ज़्यादा दूरी तक हो जाए, 150-200 फीट तक उसको दूरी ले जाइए, ताकि और एरिया का पानी कवर करके वो होल जो है आपका लेके आए। और वो ध्यान दीजिए कि आपको होल तिरछा कहाँ जा रहा है, जैसे कि अगर आप 100 फीट का होल रहे तो 3 फीट तक वो ऊपर आ जाता है, इस तरीके से ऊपर जाएगा, वो 3 फुट ऊपर आ जाएगा आगे चल के। अगर 200 मार रहे तो 6 फीट आ गया, उस हिसाब से आपको नीचे मारना है, 35 से मार रहे ऊपर जाएगा वो 30 तक आएगा, अगर 50 पे मार रहे वो लगभग 44 तक आएगा, सॉरी कम आएगा, मतलब 200 फीट अगर मारेंगे तो उसमें 6 फुट तक ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि कितना आप मार रहे उस हिसाब से नीचे से आपको ड्रिल लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खास क्या बात इसमें, मैंने जैसे कि अभी बताई कि ड्रिल एक बार मार के हो गया तो इसमें कुछ खर्चा नहीं है, आपको मोटर नहीं डालना कुछ नहीं, वो फ्लो से पानी अंदर कुएं में आएगा, आपका वहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, ये फ़ायदा रहता है। तो हम लोगों ने एक कुआ खुदाई का एक वीडियो बनाया हमारे चैनल पे, आप देखिए जाके, उसमें पूरी डिटेल दी है कुआ खुदाई के बारे में। वो कुआ खुदाई होने के बाद ही ड्रिलिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी 40 फीट का पूरा कुआ खुदाई हो चुका है, उसके बाद ही ड्रिलिंग हो रहा है। तो जैसे सेम कुआ खुदाई होता है उसी तरीके से इसमें ड्रिलिंग भी हो रही है यहाँ पे पूरा। तो दोस्तों आज की इस ड्रिलिंग के वीडियो में जानकारी बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।